नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही क्या रहे अब कल के लिए स्ट्रेटजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं सवाल, फोन नंबर नोट कर लीजिए 0222300 1634 या फिर आप हमें 0222300 1635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZBusinessOnline, x.com पर @ZBusiness अपने सवाल भेजिए #BazaarAajAurKal लिखकर। और आपके कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही खास मेहमान हमारे साथ आज है प्रॉफिट मार सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आज का आपका आज के शो में। और सबसे पहले बाजार की बात जरा कर ली जाए, क्योंकि बाजार में हमने धमाकेदार तेजी का रुख आज देखा। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी ने आज रिकॉर्ड स्तर छुआ। निफ्टी पहली बार 21,800 के पार निकला, 21,801 का नया रिकॉर्ड हाई बनाया। सेंसेक्स ने 72,484 का रिकॉर्ड छुआ। बैंक निफ्टी ने 48,636 का आज रिकॉर्ड लेवल किया टच। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं बाजार के इस ऐतिहासिक स्तर को छूने के पीछे के बड़े फैक्टर्स क्या रहे हैं। जिस तरह से दिसंबर सीरीज की शुरुआत हुई थी, अंत भी बिल्कुल उसी तरह से हुआ, शानदार और धमाकेदार। जी हाँ, आज खुलते ही भारतीय बाजारों ने फिर से बनाए नए रिकॉर्ड, और ये नए रिकॉर्ड दोनों ही तीनों जगह बनते दिखे, न सिर्फ सेंसेक्स निफ्टी में बल्कि बैंक निफ्टी में भी। आप देखिए, कल के सेशन में इंट्राडे में रिकॉर्ड बने, क्लोजिंग बेसिस पर भी तीनों इंडेक्स ने रिकॉर्ड बनाए, और ये लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन है जब ऐसा कम देखने को मिलता है, जब तीनों ही इंडेक्स एक बार फिर से इंट्राडे में भी रिकॉर्ड बनाए और क्लोजिंग बेसिस पर भी। जी हाँ, 21,800 ये लेवल आपने पहली बार निफ्टी पर देखा, 48,650 के आसपास का लेवल बैंक निफ्टी ने भी दिखाया आज हाई के तौर पर। क्लोजिंग 48,500 के आसपास बैंक निफ्टी की हुई, तो निफ्टी भी 21,800 से थोड़ा ही नीचे बंद होता हुआ नजर आया। यानी कि चौतरफा खरीदारी क्यों आई? एक तो ऐसे भारतीय बाजार बेहद मजबूत मोमेंटम में, रोज रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं और तेजी का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, और इसको सपोर्ट देने के लिए दो बड़े ट्रिगर्स हैं। एक ग्लोबल मार्केट से, अमेरिकी बाजार भरपूर तेजी के मूड में है, इसके अलावा अमेरिका ने कल भी नया हाई बनाया डाओ पे, इसके अलावा डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड दोनों जो नरम पड़ते दिख रहे हैं, वो हमारे बाजारों में, दुनिया भर के बाजारों में बढ़िया तेजी का माहौल बना रहे हैं। ये तो बाहर के ट्रिगर्स हुए। हमारे अपने ट्रिगर्स में FIs की तरफ से दमदार खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। कल भी कैश मार्केट में और स्टॉक फ्यूचर्स में FIs ने करीबन 6,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी की, इसने जोश बढ़ाया। इन सब के साथ साथ आज एक और अपना लोकल टेक्निकल ट्रिगर था, वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी का। शॉर्ट कवरिंग होना तय थी, और लगातार जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं वो हर रोज नेक्स्ट डे ऊपर में ट्रैप होते हैं, शॉर्ट कवरिंग करते हैं और उसके बाद बाजार दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद होते हैं। ये ट्रेंड कमोबेश साफ दिख रहा है। यही वजह आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों ने नए लाइफ हाई बनाए। ब्रोडर मार्केट में भी अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर आज फिर से अच्छी मजबूती के साथ बंद हुए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी बाजार में जो नोट करने लायक है, वो ये कि बढ़ने वाले शेयरों की संख्या आज कम थी, कमज़ोर शेयर थोड़े से ज़्यादा, यानी कि मार्केट वेट्स उतनी मजबूत नहीं। तो इसका मतलब साफ है कि आज जो खरीदारी हुई इंडेक्स हैवी वेट्स में ज़्यादा हुई और लार्ज कैप शेयरों में ज़्यादा होती दिखी। ब्रॉडर मार्केट में इस तेज़ी का फ़ायदा उठाकर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंड भी आपको ज़रूर नज़र आया होगा। लेकिन छोटे मोटे इस तरह के हल्के फुल्के करेक्शन से, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग से कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाजार बहुत तेज़ी के मोमेंटम में है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, और दिसंबर सीरीज की शुरू आखिरी के दिन भी भारतीय बाजारों ने इसी अपनी तेज़ी के मोमेंटम को आगे बढ़ाया और फिर से लाइफ हाई पर बंद होते नजर आए। और आगे बढ़ने से पहले संस्थागत निवेशकों के डेटा भी देख लेते हैं। आज हमने देखा FIIs की तरफ से काफी तगड़ी खरीदारी, 4,359 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से आए हैं। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 137 करोड़ रुपए की है खरीदारी। हमारे साथ हैं आज हमारे खास एक्सपर्ट प्रॉफिट मार सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, एक और ऐतिहासिक दिन बाजार के लिए, बाजार में हर दिन नए रिकॉर्ड पे नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अब क्या एक्सपेक्ट करें, अभी एक दिन और बाकी बाजार के ट्रेडिंग सेशन के लिए, इस साल के आखिरी ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो नए साल की शुरुआत भी कुछ यही धमाकेदार होगी।
बिल्कुल स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए आज का दिन तो बहुत ही हिस्टोरिक दिन था। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई दिखाया और इसमें डेफिनेटली जो बाइंग एफआईएस की हो गई है, करीबन 4,400 करोड़ की बाइंग दिन में होना बहुत बड़ी बात है। और मुझे लग रहा है कि मार्केट्स अभी उम्मीद लगा के बैठा है कि नॉट ओनली तीसरे तिमाही के क्वार्टरली नंबर्स जब जनवरी में आएंगे वो अच्छे होंगे, लेकिन काफी बड़े एक्सपेक्टेशंस है कि आने वाला बजट जो है फरवरी में जो इंटरिम बजट रहेगा वो काफी इम्पोर्टेंट और काफी अच्छे बड़े अनाउंसमेंट्स आने की उम्मीद है। लिक्विडिटी एफआईएस से कंटिन्यूअसली बढ़ेगी ऐसा हमारा मानना है, और ये तो शुरुआत है, तो जनवरी में आपको शायद दिसंबर के महीने से भी ज्यादा तेजी देखने का पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 22 जनवरी को राम मंदिर खुल रहा है और इसके बाद हो सकता है कि गवर्नमेंट अपनी इलेक्शन स्ट्रेटेजी अनाउंस कर दे, तो ये भी उम्मीदें हैं मार्केट को कि इलेक्शन स्ट्रेटेजी अनाउंस होती है तो मार्केट्स को और थोड़ा तेजी का माहौल मिलेगा। तो ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है और मेरे ख्याल से अच्छी कंपनीज में आपको जरूर निवेश करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये रही स्ट्रैटेजी अविनाश जी की तरफ से इस तेजी के बाजार में। अविनाश जी, लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी जान ली जाए आपसे, लंबी अवधि में कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? साथी, लॉन्ग टर्म में हमको एक रियल एस्टेट वाली कंपनी पसंद है जो हमने आपके चैनल पे पहले भी कही है लेकिन अभी भी हमको अट्रैक्टिव लग रहा है, और कंपनी का नाम है अनंतराज लिमिटेड। देखिए, ये गुड़गांव बेस्ड कंपनी है जो रियल एस्टेट में करीबन 25-30 साल से काम कर रही है। इनका मेन बेस गुड़गांव है और गुड़गांव का मार्केट हमने देखा है पिछले 6-8 महीने में बहुत ही तेजी से यहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़े हैं। सबसे बड़ी बात, ये बिजनेस मॉडल जो कंपनी चलाती है बहुत यूनिक है। ये डेटा सेंटर के बिजनेस में भी है। इन्होंने करीबन 300 मेगावाट की डेटा सेंटर की कैपेसिटी प्लान की है और उसमें से ऑलरेडी 25 मेगावाट वो ऑलरेडी चालू कर चुके हैं। इनफैक्ट मार्च में कंपनी मैनेजमेंट का मानना है कि 25 मेगावाट ऑपरेशनल होगा और ये काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर नंबर्स की बात करें तो पिछले साल करीबन 1,000 करोड़ की टॉप लाइन पे 150 करोड़ का प्रॉफिट था। इस साल पहले 6 महीने में ऑलरेडी 110 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। हमारा मानना है पूरे साल के लिए, दैट इज FY 24 के लिए, करीबन 230-240 का प्रॉफिट करोड़ का प्रॉफिट आएगा और अगले साल करीबन 350 करोड़ की प्रॉफिट आने की अपेक्षा है, क्योंकि डेटा सेंटर बिजनेस भी कंट्रीब्यूट करेगा। अगले साल की बात करें तो मुझे लग रहा है कि करीबन 370-375 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक थोड़ा सा स्टैग्नेंट जरूर है लेकिन फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है और हमको लग रहा है तीसरी तिमाही भी काफी तगड़ी आएगी, तो 375 का टारगेट प्राइस के लिए इसको खरीदना चाहिए। 375 के टारगेट के लिए अनंत राज लिमिटेड में लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। आइए पहले कॉलर से बात करें, लातूर से गजानंद इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार सर, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा सवाल कॉन्कॉर्ड जी। पे है। मेरे पास 42 क्वांटिटी है, 869 की बाइंग है और मेरा शॉर्ट टर्म का व्यू है इसमें, प्लीज जानकारी बताइए। कॉनकॉर्ड पे शॉर्ट टर्म का व्यू लेकर ये चल रहे हैं सर, क्या रहेगी आपकी स्ट्रेटेजी, क्या आप नियर टर्म टारगेट्स देखते हैं इसमें? देखिए, मुझे लग रहा है कि इन्होंने शेयर बहुत अच्छा चुना है लेकिन मेरा मानना है कि अगले 6-12 महीने में अगर ये होल्ड करते हैं तो 1150-1200 का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल है। कॉनकॉर रेलवे लॉजिस्टिक्स में एक नंबर वन प्लेयर है, ऑलमोस्ट एक वर्चुअल मोनोपोली का बिजनेस चलाता है और पिछले साल इसकी डाइवेस्टमेंट नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने सोचा था कि कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को वो अपना पूरा स्टेक बेच दे। हमारा मानना है कि 2024 में पॉसिबली ये हो सकता है और अगर कोई अच्छा प्राइवेट सेक्टर बायर इसको खरीदता है तो और भी रेटिंग पॉसिबल है। तो रेलवे का जिस प्रकार से थीम चल रहा है मुझे लगता है कॉनकॉर में भी अच्छी तेजी बनेगी, तो मेरे ख्याल से जरा जो नजरिया इस इन्वेस्टर का है थोड़ा सा ये अगर लंबा रखते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड और भी बेहतर आ सकता है। थोड़ा सा लंबा नजरिया आप कॉनकॉर में रख सकते हैं और इसमें बने रहने की आपके लिए सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। दिल्ली से एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैडम, मैं दिल्ली से रवि बोल रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि जी हिंद कॉपर और हुडको में भी परचेजिंग कर सकते हैं? ओके, अच्छा आपने अभी खरीदा नहीं है? नहीं, मुझे खरीदना है। अच्छा, हिंद कॉपर और दूसरा हुडको। हुडको सर जानना चाहेंगे, हुडको में तो शानदार हमने आज एक बढ़त देखी, आज तेजी थी काफी अच्छी स्टॉक में। अभी फिलहाल इन लेवल्स पर सर आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी दोनों ही स्टॉक्स में एंट्री लेवल के हिसाब से? मुझे लग रहा है कि देखिए हिंदुस्तान कॉपर और हुडको में दोनों में अभी भी रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बन सकता है लेकिन नजरिया आपको कम से कम साल 1.5 साल का रखना चाहिए।
ऑलरेडी हिंदुस्तान कॉपर काफी सिग्निफिकेंटली आज बढ़ चुका था। हुडको की बात करें तो हुडको भी में भी अच्छी बाइंग आपको देखने को मिली थी। तो इस लेवल पे अगर आप खरीदोगे तो मेरे ख्याल से यू नो पहले तो आप 25% खरीद लीजिए और बैलेंस थोड़ी सी यू नो स्टॉक में थोड़ी सी करेक्शन अगर आती है तो वहां पे खरीदने के मौके ढूंढ लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक्स दोनों स्टॉक्स चल चुके। तो मेरा मानना है देखिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो काफी अच्छे हैं, लेकिन जब भी आप पीक पे 52 वीक हाई पे शेयर खरीदते हो तभी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हो सकता है कि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भी आगे आ सकती है। तो थोड़ा यू नो सोच समझ के 25% अभी इस लेवल पे खरीदिए और बैलेंस जो क्वांटिटी आपको खरीदनी है वो थोड़ा सा करेक्शन पे खरीदिए, वही स्ट्रेटेजी आपके लिए ठीक रहेगी। तो स्टैगर्ड वे में खरीदारी की आपको राय आ रही है स्टॉक्स में हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश जी की तरफ से। अगले कॉलर शिमला से बलविंदर जी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। सर मैं आपका काफी क्लोज फैन हूँ सर, और सर मेरा सर तीन क्वेश्चन पे तीन स्टॉक्स पे सर सवाल था सर। एक तो इरेडा और एक आरईसी और एक कोल इंडिया पे सर। फ्रेश बैंक का सर था मेरा सर, इसमें अभी है सर इसमें ऑप्शन फ्रेश बैंक के लिए सर। इरेडा और आरईसी, ये दो स्टॉक्स बोले ना आपने? जी मैम, और एक कोल इंडिया मैम, तीन स्टॉक्स हैं मैम। कोल इंडिया, ऑल राइट सर। तीनों स्टॉक्स कैसे लगते हैं आपको अविनाश सर? नहीं बिल्कुल, देखिए सारे स्टॉक्स जो है वो यूटिलिटीज और पावर से रिलेटेड है। अगर इरेडा की बात करें तो स्वाति मुझे लग रहा है कि अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल का है तो इरेडा में करीबन 85-90 का एक रेंज लेके ये खरीद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट 3 गुना तो प्राइस आईपीओ के प्राइस से बढ़ चुका है। इनका आईपीओ करीबन 32 रुपीज में आया था, तो अभी ये खरीदना चाहे तो लंबा नजरिया करके जरूर खरीद सकते हैं। आरईसी में हमारा मानना है कि ये होल्ड करे, आरईसी में कोई फ्रेश बाइंग ना करे, क्योंकि स्टॉक काफी यू नो छोटे समय में काफी बढ़ चुका है। और कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया में हमको लग रहा है कि अगले 6 से 12 महीने में करीबन 425-430 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। वॉल्यूम भी बढ़ रहा है प्लस डिविडेंड भी इनका काफी अच्छा आता है, तो कोल इंडिया में डेफिनेटली एक थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ 425-430। बिल्कुल, तो ये तीनों स्टॉक्स पर रही आपके लिए राय हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। आज गुरुग्राम से कपिल जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरे ग्रेट ओशियन में आईपीओ अलॉटमेंट में 1200 शेयर आए हैं, तो इसका मेरा मुझे क्या करना है? लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा इस पे 113 की रेट पे। एक बार स्टॉक रिपीट करेंगे कपिल जी एक बार फिर से? ग्रेट ओशियन, GRAPHIACADI। एक बार जरा स्टॉक फ्लैश करेंगे, कौन सा बताया इन्होंने? हाँ ओके, ग्राफिसाइड्स लिमिटेड सर इनके पास है स्टॉक, क्या रहेगी राय स्टॉक में आपकी? नहीं मेरे ख्याल से देखिए इनको आईपीओ में शेयर लगे हैं, मेरे ख्याल से देखिए आईपीओ में तो परफॉर्मेंस कुछ ठीक ठाक नहीं रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये कम से कम 6 से 12 महीने ये स्टॉक रखते हैं तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। ये कंपनी बेसिकली एक बहुत ही वेल नोन नॉर्थ इंडिया की एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, ज्यादातर काम यू नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में ये काम करते हैं। काफी बड़ा इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट मैनेजमेंट भी इनका डिवीजन है, तो पहले तिमाही के रिजल्ट्स के लिए वेट करिए। और मुझे लगता है कि इस लेवल से जो भी नेगेटिव्स है वो ऑलरेडी मार्केट में यू नो मार्केट के प्राइस में फैक्टर्ड इन है, तो यहाँ पे लॉस मत बुक करिए और कम से कम 6-12 महीने की अवधि से यहाँ पे होल्ड करें, यही राय रहेगी। तो 6 से 12 महीने आप होल्ड कीजिए, यही आपके लिए राय दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर। राजकोट से वासु जी से भी बात करते हैं। नमस्कार, बताइए सर कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैडम मेरे पास रिलायंस जियो है। हम्म, 2000 क्वांटिटी पड़ी है मैम मेरे पास, 220 के बाइंग प्राइस है। ओके, कितना आपने खरीद भाव कितना बताया? 220 रुपया मैम। 200 जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है आपके पास? हाँ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, और कितने कितना लंबा नजरिया रख रहे हैं इस स्टॉक पे? मैडम मुझे लॉन्ग टर्म के लिए 1 ईयर।
ओके, लॉन्ग टर्म के नजरिए के लिए सर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इनके लेवल्स लग रहा है आपको सर? नहीं देखिए स्वाति, मुझे लग रहा है कि मैं निवेशक को यही कहूंगा कि लॉन्ग टर्म का मतलब एक साल नहीं होता है, आपको मिनिमम यहाँ पे 1.5-2 साल का नजरिया लेके काम करना है। आपने कंपनी बहुत ही अच्छी चुनी है, फाइनेंशियल सर्विसेज में जिस प्रकार से डिस्ट्रप्शन आने वाला है वहां पे कोई डाउट नहीं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत ही सक्सेसफुल प्लेयर होगा। इनकी बैलेंस शीट साइज करीबन 1,30,000 करोड़ है, और अभी मैं पढ़ रहा था कि ये भारत GPT नाम का एक ऐप डेवलप करने वाले हैं जिससे बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इनके बिजनेसेस को सुविधा मिलेगी। बट ये सब कुछ रिफ्लेक्ट होने के लिए आपको मिनिमम 1.5-2 साल यहाँ पे निवेशित रहना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि आपको परसेंटेज नहीं बट मल्टीप्लिकेशन इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू है। ओके, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में रखने की आपके लिए सलाह अविनाश जी दे रहे हैं। मुंबई से राकेश जी अगले कॉलर हमारे साथ, नमस्कार, बताइए सर कौन सा स्टॉक आपके पास है? नेटको फार्मास्यूटिकल्स। ओके, कितने की खरीद है? अराउंड 100 रुपए की खरीदी है। ठीक है, एक बार फिर से बताएंगे कितने में, कितने की खरीद? 100 रुपए के आसपास। 100 रुपए के आसपास। ओके, और कब तक आगे होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए? 100 रुपीज की खरीदिए। ओके, 100 रुपए की खरीद सर नेटको फार्मा पे, 8 गुना तो उन्होंने मुनाफा कर लिया अपना, उससे भी ज्यादा, सॉरी कई गुना मुनाफा कर लिया उन्होंने अपना, तो क्या रहेगी राय आपकी सर? देखिए मुझे लगता है कि नेटको फार्मा एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, ज्यादातर इनका जो बिजनेस आता है वो US मार्केट से आता है, और मुझे लगता है कि अगले 1.5-2 साल में जिस प्रकार का इन्होंने मॉलिक्यूल बिल्डअप तैयार किया है इसका फायदा भी कंपनी को मिलेगा। मैं इनकी क्वांटिटी नहीं जानता, कितनी क्वांटिटी शेयर्स ये होल्ड करते हैं, लेकिन मेरा तो मानना है कि एटलीस्ट अपना कैपिटल इस निवेश से निकाल लीजिए ताकि बाकी के शेयर्स जो भी आपके बचेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, और वहां पे आपको कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया लेके होल्ड करना चाहिए। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रेटेजी, बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अब अनिल जी से। लगातार 4 दिनों से बढ़ रहे अमेरिकी बाजार, क्या आज भी मजबूत रह पाएंगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 40 पॉइंट नीचे तो नैस्डेक फ्यूचर्स 40 पॉइंट ऊपर, दोनों अलग अलग दिशाओं में, तो देखते हैं अमेरिका से किस तरह के संकेत मिलते हैं। जहाँ तक हमारे अपने संकेतों का सवाल है, तकनीकी तौर पर तो हम बहुत मजबूत हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, जिस तरह की क्लोजिंग मिली है ना, लेकिन नई सीरीज की शुरुआत कल से होगी, और इस सीरीज की शुरुआत में हम कितनी लॉन्ग कितने शॉर्ट और किस तरह के रोल ओवर्स पर जा रहे हैं ये डिसाइड होंगे। आज के डेटा भी होंगे, FIs के, लोकल फंड्स के, खरीदारी बिकॉल के, कुछ एडजस्टमेंट रोल ओवर के भी होंगे, इन सब के बीच में नई सीरीज की शुरुआत आपको करनी है जनवरी सीरीज की, और जनवरी सीरीज इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 2 सीरीज में हमने जमकर पैसे बनाए, नवंबर और दिसंबर ड्रीम सीरीज रही है। जनवरी की सीरीज के पहले चाहे बजट छोटा ही हो इस बार लेकिन है, तो उसको लेकर थोड़ा सा बाजार एक्शन में रहेगा भी। जो कल के लिए इंपॉर्टेंट होगा सपोर्ट, वो मैं पहले बता दूं, 21,650 21,700 आपके लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगी, और एक बार 21,825 के पार निकलकर बाजार टिके तो ब्लू स्काई जोन में जाकर 22,000 की तरफ की यात्रा करेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 48,200 48,350 अभी 150 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर आपके लिए करेगी मजबूत सपोर्ट का काम, और एक बार 48,700 को पार करके बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकला तो ये भी ब्लू स्काई जोन में जाकर 49,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। इन लेवल्स पर करना है आपको फोकस। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ा सा आपको इन लेवल्स पर आने के बाद सेलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पर जनवरी का महीना दोनों तरफ फिर ट्रेड दिखाता है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी होती है तो वापस बाजार में निवेश के मौके भी बनते हैं, तो इन दोनों का फायदा आप धीरे धीरे उठाते हुए चलें, लेकिन ओवरऑल बाजार का ट्रेंड मजबूत है, पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स है, और जब तक कोई ऐसी कमजोर क्लोजिंग ना होती दिखे, दिन के दौरान हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन जब तक कोई कमजोर क्लोजिंग किसी बड़े लेवल के नीचे ना होती दिखे तब तक बिल्कुल तेजी के रुझान के साथ बने रहिए, टिके रहिए, डटे रहिए। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया हमारे साथ है। सुमित जी बहुत स्वागत करते हैं, कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको कल के बाजार में? नमस्कार साथी, गुड इवनिंग। देखिए कल के बाजार में दोनों तेजी की स्ट्रेटेजी है, मार्केट में एक वन में तेजी देखने को मिल रही है, वो तेजी के स्टॉक ही रडार पे आए हैं। तो जो पहला स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो है रियल एस्टेट स्पेस का DLF। DLF के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है और अभी और तेजी देखने को मिल सकती है।
तो 730 का कॉल, 730 का कॉल 27 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 23 रुपए का इसके नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर में टारगेट 31 रुपए से लेके 34 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो 730 का कॉल खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। दूसरा जो स्टॉक है वो है हिंडाल्को। पूरा मेटल सेक्टर एक तेजी की पकड़ में है, पूरे मेटल सेक्टर में तेजी बनी हुई है। तो हिंडाल्को में 615 वाला कॉल 28 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 24 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर में टारगेट 32 रुपए से लेके 36 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो हिंडाल्को का 615 का कॉल लेके चलने का सलाह रहेगा। जी, तो ये रही दो ऑप्शन स्ट्रेटजी की कॉल सुमित बगड़िया की तरफ से। धन्यवाद करेंगे हमसे बातचीत करने के लिए। और अविनाश जी, आपकी नजर में पोजिशनल ट्रेड कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी? स्वाति, पोजिशनल पिक के लिए हमको SBI पसंद है। करंट प्राइस करीबन 651 रुपया है। हमको लग रहा है कि 8 से 10 दिन का कोई पोजिशन यहाँ पे लेता है तो करीबन 672-673 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। यहाँ पे 640 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना है। मेरे ख्याल से 8 से 10 दिन के लिए एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी काफी अच्छा चला है और SBI इसमें काफी प्रोमिनेंट वेटेज रखता है। तो यहाँ से डेफिनेटली एक 8 से 10 दिन के लिए 671-672 का एक टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस 640। जी, तो SBI में पोजिशनल खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। धन्यवाद करेंगे अविनाश जी हमसे बातचीत करने के लिए, शो में आप शामिल हुए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, आगे भी खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।